हाय एवरीवन, मैं हूँ फूडी अंकित और आज मैं हूँ राजस्थान के ब्लू सिटी जोधपुर में और अभी मैं हूँ रेडिशन में जोधपुर का। आज के इस वीडियो में पूरा रेडिशन को एक्सप्लोर करके पूरा दिखाने वाला हूँ, पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलो अंदर चलते हैं। मेरे पीछे जो महल देख रहे हो, ये कोई महल नहीं है राजा का, ये है 5 स्टार जोधपुर का रेडिशन। चलो अंदर चलते हैं। रेडिशन के अंदर आओगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा ये वार्म वेलकम, आप देख सकते हो नाम तिलक लगा रही है। ने देखा किस तरह से आपको वार्म वेलकम मिलने वाला है, चलिए अंदर चलते हैं। ओके, तो हमारी वार्म वेलकम हो चुकी है और ये है इनका लॉबी एरिया। लाइक अगर आपकी फ्लाइट या फिर ट्रेन जल्दी आ जाती है और चेक इन आपका होता है 3 बजे, तो आप यहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे क्या है, एक ओपन कैफे टाइप का है। लाइक अगर आपको टी स्नैक्स कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पे ऑर्डर करके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। काफी छोटा सा एरिया लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं आ गया हूँ रेडिशन का 1459 लॉन्ज एंड बार एरिया में। आप मेरे पीछे ये सेक्शन देख सकते हो, ड्रिंक्स की काफी सारी मल्टीपल्स वेराइटी है। तो अगर आप भी पीने के थोड़े बहुत दीवाने हो तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड जिसके साथ भी आ रहे हो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। एटमॉस्फेयर देखो काफ़ी कोजी है, लाइट भी बहुत ज़्यादा डिम है जैसा यूजुअली बार में होता है। चलते मैं आ गया रेडिशन का ये फैमिली रेस्टोरेंट में, जो कि है एक तारा। इसका टाइमिंग है सुबह 6:30 से लेकर रात को 12:45 तक, यानी कि 11:45 तक। तो चलो बिना किसी देर के अंदर चलते हैं। ये इनका सिटिंग एरिया आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और बहुत ही मस्त है। और इधर इनका लगता है बुफे, ब्रेकफास्ट एंड डिनर में इनका बुफे लगता है। और अगर आप लंच में आते हो तो वो अलाकार्ट होता है, आपको खुद से ऑर्डर करना है, पे करना है और खाना है, बुफे एंड डिनर। तो गाइज मैं आ गया हूँ इनका बैंक्वेट एरिया। अगर आपके घर में भी शादी फंक्शन या फिर अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग सोच रहे हो जोधपुर में करने का, तो मैं बोलता हूँ रेडिशन से बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। छोटा मोटा फंक्शन हुआ या फिर बहुत बड़ा भी फंक्शन हुआ, तो ये बैंक्वेट देख रहे हो ना, यहाँ पे आप अपना फैमिली फंक्शन या फिर वेडिंग या फिर सब कुछ करवा सकते हो। मैं आ गया हूँ इनका स्पा एरिया में। रेडिशन में आपको स्पा भी मिलेगा, तो बिना किसी देर करते अंदर चलते हैं। आइए, तो ये इनका प्रॉपर स्पा एरिया। अगर आपको स्पा लेना है, टैनिंग हो गया है या फिर सोच रहे हो थोड़ा सा पैम्परिंग शैम्परिंग का, तो ये जगह पर आप स्पा ले सकते हो, ये चार्जेबल होगा। मैं आ गया हूँ मेरा फेवरेट एरिया, आप सबका भी फेवरेट एरिया, स्विमिंग पूल एरिया, ठीक है।